एक समय की बात है, दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और नीलो चिड़िया रहा करते थे। वे नीलो चिड़िया और कालू कौवा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। अरे कालू कौवे, कल मैंने तुम्हारे घर भोजन बना के भेजा था, तुम्हें वो भोजन कैसा लगा? अरे नीलो चिड़िया, तुम तो जानती हो ना कि रानी कौवी को भोजन बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वे हर समय मुझे बातें ही सुनाती रहती हैं, और मैं और राजू कौवा तो उसका बेस्वाद भोजन खा खा कर परेशान हो गए हैं। वे तो अच्छा हुआ कि कल तुमने अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बनाकर भेजा। तुम्हारा बनाया हुआ भोजन खाकर तो बहुत ज्यादा मजा आ गया था हमें। हाँ कालू कौवे, वैसे ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है, रानी कौवे को भोजन बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें रानी कौवे को समझाना चाहिए। अरे हाँ नीलो चिड़िया, कुछ न मुझे इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। अच्छा कालू कौवे, चलो अब अपने अपने घर को चलते हैं, मुझे मानो चिड़े के लिए अच्छा सा भोजन भी बनाना है। चलो ठीक है, फिर कभी दोबारा मिलते हैं। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे अरे कालू कौवे, वो देखो, वहाँ किसी नन्ही सी चिड़िया को रस्सी से बांधा हुआ है। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया उस नन्ही सी चूजे के पास चले जाते हैं, फिर उसे पेड़ से नीचे कर देते हैं। अरे अरे नन्ही चिड़िया, तुझे यहाँ पर किसने बांधा था और तुम्हारा परिवार कहाँ पर है? मेरा नाम शोनो चिड़िया है और मुझे एक जालिम चील ने पकड़ लिया था और यहाँ पर लाकर बांध दिया था। बस अब वे वापस आने ही वाली होगी और आप सबको भी पकड़ लेगी। आप मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। अरे नीलो चिड़िया, हमें फौरन इस नन्ही सी चिड़िया को यहाँ से लेकर भागना होगा, वरना तो वह बाजो चील यहाँ पर आकर हमें भी पकड़ लेगी। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया उस नन्ही सी शोनो चिड़िया को लेकर मिट्ठू महाराज के पास चले जाते हैं। अरे अरे कालू कौवे, नीलो चिड़िया, तुम लोग यहाँ कैसे और तुम लोग कैसे इस नन्ही चिड़िया को यहाँ पर लेकर आए हो? ये है कौन? इससे पहले तो मैंने इस नन्ही सी चिड़िया को यहाँ पर कभी नहीं देखा। मिट्ठू महाराज, इस नन्ही सी चिड़िया के परिवार पर बाजो चील ने हमला कर दिया था और उसने शायद इसके मम्मा और पापा को भी मार दिया होगा। अब इसका यहाँ पर कोई नहीं है, और तो और हम इस नन्ही सी चिड़िया को काफी मुश्किलों से उस बाजू चील से बचाकर इसकी जान लेकर आए हैं। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ है इस नन्ही सी चिड़िया के साथ। अब किसी ना किसी जंगल के पक्षी को इस नन्ही सी चिड़िया को अपने साथ रखना पड़ेगा, वरना तो वो चील इसको फिर से खा जाएगा। अब तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मिट्ठू महाराज, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं शोनू चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख सकती हूँ? नहीं नीलो चिड़िया, तुम तो वैसे भी बहुत गरीब हो और तुम्हारा तो एक बेटा भी है ना। तुम उसके लिए इतनी मुश्किल से भोजन ढूंढती हो, तो इस बेचारी चिड़िया के लिए भोजन कहाँ से ढूंढोगी तुम? मिट्ठू महाराज, मैं शोनू चिड़िया को अपने घर पर रख सकता हूँ और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूँगा। चलो ठीक है कालू कौवे, तुम रख लो शोनू चिड़िया को अपने घर पर अपने साथ। बस फिर क्या था, कुछ ही देर के बाद कालू कौवा शोनू चिड़िया को लेकर अपने घर पर उसे लेकर आता है। अरे रे कालू जी, आप ये किस चिड़िया के बच्चे को उठाकर हमारे घर पर लेकर आए हो? रानी, इस चिड़िया का नाम शोनू चिड़िया है और अब शायद इसके माँ बाप मर चुके हैं, इसीलिए मिट्ठू महाराज ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। अब ये चिड़िया हमेशा मेरे साथ तेरी बेटी बन के रहेगी। क्या अब एक चिड़िया की बेटी मेरी बेटी बन के रहेगी? नहीं नहीं कालू जी, मैं इस चिड़िया की बच्ची को अपनी बेटी बनाकर नहीं रख सकती हूँ। चुप करो रानी, तुम एकदम चुप करो, मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि इस नन्ही चिड़िया को अगर हम नहीं रखेंगे तो ये चिड़िया कहाँ पर जाएगी? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस हमें इस अनाथ चिड़िया की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। बस रानी, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा, ये नन्ही चिड़िया हमारे साथ हमारे घर पर रहेगी और हाँ, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी। अगर तो तुमने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। बस फिर शोनू चिड़िया कालू कौवे के घर में ही रहने लगती है और रानी कौवी को मजबूरन शोनू चिड़िया को भी खाना खिलाना पड़ता था।
चलो चलो महारानी चिड़िया, अब जरा मेरी बात सुनो। बहुत आराम कर लिया है तुमने, चलो जल्दी से सारे घर की सफाई कर लो। ऐसे ही मुफ्त में तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी। जी जी कवि आंटी, मैं पूरे घर की साफ सफाई कर देती हूँ, बस आप गुस्सा ना कीजिए। बस फिर सोनू चिड़िया पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है। परंतु एक दिन गलती से सफाई करते करते सोनू चिड़िया से मिट्टी का बर्तन टूटकर नीचे गिर जाता है। हाय रे सत्यानाश सत्यानाश, पहली बार काम किया और मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया तूने। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सोनू चिड़िया। फिर रानी कवि सोनू चिड़िया को एक डंडे से मारने लगती है। मम्मा मम्मा छोड़ दो सोनू चिड़िया को, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस गलती से टूट गया है। राजू कवि, ज्यादा इसकी तरफदारी मत करो, वरना इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी बहुत मारूंगी। चलो निकलो यहाँ से तुम। रात हो जाती है। रानी कवि कालू कवे के सामने सोनू चिड़िया के साथ बहुत अच्छा बर्ताव रख रही होती है। रानी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब तुमने दिल से सोनू चिड़िया को अपनी बेटी मान ली है और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब ये सोनू चिड़िया भी मुझे अच्छी लगने लगी है और अब मैंने इसे अपनी बेटी मान लिया है। इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। रानी कवि सोनू चिड़िया से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। बस बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस सोनू चिड़िया को अपने घर में नहीं रहने दे सकती हूँ। बस अब मैं तो इसे अपने घर से जरूर निकाल के रहूंगी। मम्मा सोनू चिड़िया तो सारा काम करती है, फिर आपको इससे क्या मसला है आप? राजू तुम चुप रहो, इस सोनू चिड़िया को तो मैं घर से बाहर निकाल ही दूंगी और हाँ राजू जी को तो मैं देख ही लूंगी। बस फिर गुस्से में रानी कवि सोनू चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देती है। ये सब उधर बेटी नीलो चिड़िया भी देख रही होती है। हाय हाय रानी बहन, आपने इस ननी चिड़िया पर कितना जुल्म किया है, कितना ज्यादा खून निकल रहा है और अब तुम इसे घर से भी बाहर निकाल रही हो। नीलो चिड़िया, अगर तुम्हें इस पर इतनी ज्यादा दया आ रही है तो इसे अपने साथ अपने घर में ही रख लो ना, और मैं तो अब इसे अपने घर में कभी नहीं रखूंगी। तुम बहुत बुरी हो रानी कवि, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, परंतु अब मैं सोनू चिड़िया को अपने साथ अपने घर में रखूंगी। बस फिर नीलो चिड़िया उस सोनू चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब कालू कव्वा नीलो चिड़िया के घर पर आता है तो नीलो चिड़िया उसको सारी बात बता देती है। देखो ना कालू कव्वे, कितनी बुरी तरह मारा है ना रानी कव्वे ने सोनू चिड़िया को। रानी इतना बुरा करेगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचूंगा, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कालू कव्वा गुस्से में फौरन रानी कवि के पास चला जाता है। रानी तुमने सोनू चिड़िया के साथ कितना गलत किया है, जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें, कितनी छोटी से है वो और तुमने उसे कितनी बुरी तरह से मारा है। मैं ही पागल था जो समझ रहा था कि तूने सोनू चिड़िया को अपनी बेटी मान लिया है, परंतु सोनू चिड़िया के साथ तो तुमने कितना बुरा किया है। मेरी बात तो सुनी कालू जी, वे नीलो चिड़िया झूठ बोल रही है, वो फालतू में मुझे पसा रही है। नहीं पापा, मामा झूठ कह रही है, वो तो सोनू चिड़िया के साथ बहुत गलत करती थी। और मामा ने ही सोनू चिड़िया को घर से बाहर निकाल दिया है। राजू कव्वे की बात सुनकर कालू कव्वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में रानी चिड़िया से कहता है, तुमने सोनू चिड़िया को इस घर से निकाला था ना, अब तुम भी इस घर में नहीं रहोगी, चलो निकलो मेरे घर से अभी। कालू जी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे इस घर से मत निकालिए। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब तुम्हारा मेरे और राजू कव्वे से कोई लेना देना नहीं है, चलो निकलो अब मेरे घर से। फिर कालू कव्वा रानी कवि को अपने घर से बाहर निकाल देता है। वही दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज नीलो चिड़िया के पास एक चिड़िया और चिड़े को लेकर आते हैं। नीलो चिड़िया, एक खुशखबरी है कि ये छोटी चिड़िया अनाथ नहीं है, इसके माता पिता ये दोनों पक्षी है। नीलो चिड़िया तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी बच्ची का ख्याल रखा, लेकिन इसे ये चोट कैसे लगी? फिर नीलो चिड़िया रानी कवि की सारे बात उन दोनों को बता देती है। उस जालिम कवि ने मेरी बच्ची पर कितना जुल्म किया, पर अब और नहीं, अब मैं अपनी बेटी को अपने घर अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इस तरह से उस सोनू चिड़िया को अपने मामा बाबा मिल जाते हैं और नीलो चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश होती है।
तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।